वो तीन ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चे डिपोर्ट हो गए आने के बाद आने के बाद डिपोर्ट हो गए आने के बाद केसेस लग गए उसके घर में इमिग्रेशन वाले आ गए सारी उन्होंने सब चीज़ें चेक करी बिहाफ पे उसको भाई जेल कर दी गई स्टूडेंट थी भाई वो तो ये वाली प्रॉब्लम भी निकल जाएगी बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना तो वेलकम बैक टू तो द न्यू ब्लॉग स्वागत है आपका मेरे चैनल रहे चीन यूके में अगर नए आए हो तो पहली बार सब्सक्राइब कर लो और अगर पुराने हो तुम सब्सक्राइबर तो तुम सोच रहे हो क्या हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ या व्लॉग मेरे जो होते हैं सारे अंधेरे में क्यों होते हैं तो पहली बात तो ये विंटर्स में यूके में तीन बजे तक अंधेरा हो जाता है और तो दूसरी बात भाई मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं व्लॉग करता हूँ तीन दिन तो मैं हमेशा करता हूँ जब मैं जा रहा था काम पर क्योंकि जब मैं सुबह आता हूँ नहा धो के पूजा करके अपने खाके में सो जाता हूँ और जब तक मैं उठता हूँ तीन बजे तक तो भाई फिर से अंधेरा हो रहा था फिर दस काम होते हैं जिम जाना होता है तो तब तो मैं ब्लॉक करता नहीं हूँ अब यहाँ पर फ्री होता हूँ तो यहाँ पर मैं ब्लॉक कर लेता हूँ तो ये चीज़ है तो हफ्ते में तीन चार दिन तुम्हें रात वाले ब्लॉग से दिखेंगे अंधेरा ही अंधेरा मैं भी मेरी लाइफ भी अंधेरे हो गई भाई मैंने सूरज देखा ही नहीं है कितने दिनों से ढंग से कब कसम से बता रहा क्या ही रूटीन हो गया बट ठीक है भाई अब हर चीज़ करनी पड़ती है है ना सर्वाइवल के लिए चलो इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ जो कि होने वाली है जो अब जैसे नए बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि देखो इतने गाड़ी जान दो आवाज आईगी गाड़ी देखो जो बच्चे नए आते हैं ना तो काफ़ी केसेज जो डिपोर्टेशन वाले हो रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया बट इस वीडियो में मैं तुम्हें दो तीन ऐसे इंसिडेंट बताऊँगा जिसकी वजह से बच्चे डिपोर्ट हो गए आने के बाद आने के बाद डिपोर्ट हो गए आने के बाद केसेज लग गए उन पर सिर्फ उनकी गलती की वजह से उन्होंने गलत बोला कुछ या फिर पुलिस में इन्वॉलमेंट हो गई उनकी वो सब क्या हुआ इस वीडियो में आगे बात करेंगे बट हाँ डिपोर्ट हो गया इस चक्कर में सारी उनकी गलती थी तो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोगों से अक्सर हो सकती है तो गाइस देखो मेरी तबीयत ना दो तीन दिन, दिन से बहुत ख़राब हो रही है मतलब मुझे ही पता है कि मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ हर चीज़ बट एक चीज़ बताता हूँ वो जो क्लिप शूट की थी मैंने जो स्टार्टिंग में इंट्रो रहे वो कल परसों रात की है और फिर उस रात को भी मैंने काम किया तबीयत ख़राब थी बट आके सो गया था जो आज का दिन था अभी शाम के आठ बज रहे हैं और मैं पूरे दिन सोता रहा आज दवाई खा के था हूँ छः साढ़े छः बजे पूरा दिन ऐसे निकल गया मेरा और अभी भी बहुत ज़्यादा कंजेशन है गले में और बॉडी एक है बट आज रात फिर से मेरी शिफ्ट है आज भी जाना है मेरे को तो एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि देखो घर से जू दूर आ जाते हो ना जब तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है और कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट स्टूडेंट हो चाहे तुम अकेले काम पे आ रहे हो और वीजा पे अकेले आ रहे हो तो सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है और काम भी काम की भी छुट्टी नहीं ले सकते तुम ऐसे तो ये चीज़ें देखो अब मैं अपने लिए सूप बना रहा हूँ ठीक है आज मैं ब्लॉग भी सामने की तरफ पकड़ के कर रहा हूँ क्योंकि मतलब ऐसे पकड़ के मन नहीं कर रहा था अब डिनर भी बनाऊँगा उसके बाद फिर वापस से मेरे को रात को पहुँचाना है शिफ्ट के लिए वो तो अच्छा है कि मेरे को ज़्यादा ऐसा काम नहीं होता आउटडोर वाला सब इंडोर में होता है तो ऑफ़िस में ही बैठना होता है गर्मी में तो वो ठीक है बट हाँ तबीयत ख़राब होती है फिर भी सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है बर्तन कपड़े मतलब हर एक चीज़ तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो के आना और कभी कभी तुम्हें लगेगा भाई कि तबीयत ख़राब में ज़्यादा होता है लोग ना विल पावर ढीले ढीले पड़ जाते हैं मतलब परेशान हो जाते हैं वो मत होना भाई परेशानी ये सब तो आता रहेगा हार मान लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती तबीयत खराब कोई बीमारी वगैरह बट उसमें तुम्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है और यही सोचना है कि भाई निकल जाएंगे इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी तुमने देखी होंगी ना तो ये वाली प्रॉब्लम भी निकल जाएगी बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना और कुछ नहीं तो यही बताना था सर्वाइव कर जाओगे भाई सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट है ये याद रखना तो तुम्हारे ऊपर अब तुम कैसे क्या करते हो सर्वाइव करना क्योंकि देख लो भाई ये तो है प्रॉब्लम तो है भाई दिक्कत तो होती है अकेले रहने में अकेले इतनी दूर आने में बट वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा अगर तुम सब कुछ ठीक करोगे और उस पर विश्वास रखोगे और अपना मेहनत करते रहो भाई उसको भी दिखना चाहिए ना कि बंदा कितना सा मतलब तुम कितने मेहनती हो ये चीज़ उसको भी दिखनी चाहिए कि तुम कितने मेहनती हो तो कोई चीज़ है भाई अब मिलते हैं थोड़ी देर में तो देखो मैं इसमें ना दो केसेस तो बताऊंगा जिसमें स्टूडेंट्स की गलतियां थी जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट मतलब तो एक को तो डिपोर्ट होना पड़ा था एक की बिल्कुल डिपोर्ट वाली चांसेस बढ़ गई थी तो वो दोनों बता दूँ तो पहला केस क्या है एक स्टूडेंट था तो वो जैसे घर रेंट करके रहते हो तुम लोग कहीं पर ना तो तुमने किसी से घर रेंट कर रखा है तो तुम्हारा एग्रीमेंट साइन होता है कि तुम हर महीने इस डेट को रेंट पे करोगे डिपॉज़िट दे रखा है और बाकी और सारी चीज़ें होती कॉन्ट्रैक्ट में तो हुआ क्या जब रेंट भरने की बारी आई ना तो जब लैंड ने उससे रेंट मांगा बंदे से तो उस बंदे ने सामने से बोल दिया कि अब ठीक है लाइट पड़ती तो उसने बोल दिया कि जो मेरी सैलरी आती है ना वो अभी तक आई नहीं है तो मैं रेंट दे नहीं पाऊँगा अभी थोड़ा सा रुक के दूंगा तो ये हुआ चलो एक बार के लिए इग्नोर कर दिया लैंड ले, लॉड ने जो ओनर था उसने फिर जब उसने बोला था जिस डेट को आने के लिए उस डेट भी गया तो उस दिन भी उसने यही बोल दिया कि ये है वो है मेरी सैलरी नहीं आई है तो जो लैंड था देखो अब आज के टाइम पे सबको पता है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें शो करके आना होता है इतना अमाउंट एक साल के रहने का तो लैंड को भी पता था कि अगर ये हमारी कंट्री में आया है तो उसने दिखा रखा होगा अमाउंट जो तुम दस हज़ार पाउंड या नौ हज़ार जो भी है दिखाते हो कि तुम लिविंग एक्सपेंसेस तो उसको पता था लिविंग एक्सपेंस तो दिखा के आते हैं ये लोग ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सैलरी नहीं तो उसने क्या करा उसने रिपोर्ट कर दी पुलिस को जो पुलिस वाले ने एच या फिर होम ऑफिस ऑफिस को बताया क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे होते हैं जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास तो उन उसने डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कर दिया और होम ऑफिस जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वो लोग आ गए उसके घर पे सिर्फ ये बात थी देखो उसने क्या गलती कर दी बोलने में बस ये वर्ड्स यूज़ कर लिए दैट आई हैव नोट गॉट माय सैलरी एट या फिर जो भी बोला उसने सिर्फ इस चीज़ पे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है इसका अगर तात्पर्य या फिर कंक्लूजन निकालोगे तो ये हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम लगा लो उसके घर में इमिग्रेशन वाले आ गए सारी उन्होंने सब चीज़ें चेक करी ठीक है कि क्या क्या, क्या कैसे एक्सपेंसेस कर रहा है ये एक्सपेंसेस खुद बेयर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है तो पता लगा भाई उसने मतलब पहले वाले लैंड के साथ भी ऐसी कुछ किया था और मिनस में काफ़ी साल लोचा था जो भी होता है और कैश की जॉब का भी वहीं से उसको लिंक मिला और इसकी वजह से भाई उस पर बहुत तगड़ा केस बना फ्रॉड का या फिर तुम कह लो इस चीज़ का कि वो जो दिखा रहा था वो वो नहीं है वो बंदा जो दिखा रहा था कि मेरे पास एक्सपेंसिस हैं रहने के वो उसके पास नहीं थे झूठ दिखाए थे तो भाई इसकी वजह से उसको डिपोर्ट कर दिया गया उसका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म ही हुआ था तब वो वाला टाइम चल रहा था पी से पहले वाला और उसको डिपोर्ट कर दिया सिर्फ ये रीज़न पे लगा लो सिर्फ तुम्हारी इतनी सी गलती से तुम ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम भी ऐसे कहीं किसी से इंट्रैक्शन कर रहे हो या फिर किसी को पैसे देने हैं तुमने या फिर रेंट या फिर कुछ भी टैक्स कोई भी चीज़ ऐसी देनी है जो टाइम पे ऑन डेट देनी होती है तुम्हें जहाँ पे कोई भी ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोशनवॉल्व है तो टाइम पे पेमेंट करना क्योंकि किसी का भरोसा नहीं कोई तुम रिपोर्ट कर दे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और इनको आज सब आजकल सबको नॉलेज होती है इस चीज़ की कि ये लोग दिखा के आते हैं अमाउंट और ये सब सब मोस्टली लोगों को पता है स्टूडेंट वीज़ा का क्या चीज़ है उनको पता रहता है चीज़ का तुम लोग ना स्पेशली ख्याल रखना अगर तुम घर रेंट पे लोगे या कुछ भी लोगे स्टूडेंट अकोमोडेशन ये मत बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी नहीं दे पाऊंगा गलती से भी यहाँ पे सारी पेमेंट टाइम पे होती है यहाँ पे मतलब क्रेडिट का तो ऑप्शन होता ही नहीं ऐसे अंडे ने तो तुम क्रेडिट कार्ड लो क्रेडिट का कहीं ऑप्शन नहीं होता तो ये चीज ध्यान रखना अब दूसरा केस बताता हूँ दूसरा केस है एक हस्बैंड एंड वाइफ का स्टूडेंट भी मतलब स्टूडेंट एक था और दूसरा डिपेंडेंट पे था तो केस क्या हुआ था कि जैसे किचन में जो भी सब्जी उब्जी बना रहे थे तो हल्का सा चाकू ना उसके हस्बैंड के टच हो गया जो इससे घूर निकलने लग गया वाइफ से उसके हस्बैंड पे टच हो गया तो भाई उसने ऑब्वियसली खून ज़्यादा निकल रहा है कट शार्प होगा तो एम्बुलेंस को ही बुला गया तो उसने एम्बुलेंस को कॉल किया एम्बुलेंस ने पूछा क्या इमरजेंसी है तो उसने बोल दिया कि आई एक्सीडेंटली स्टैप्ड माई पार्टनर तो उसने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो एम्बुलेंस से पहले भाई पुलिस पहुँच गई उस सीन पे और फिर उनसे पूछने लग गए चलो उसके हस्बैंड को तो हॉस्पिटल ले गए बट वो जो लड़की थी भाई उसको पुलिस स्टेशन ले गए उस पर फिर केस लगा उस पर चार्जेस लगे मर्डर के बट उसने कंफर्म कराया अपने हसब उसके हस्बैंड ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट एक्सीडेंटली कटाया मेरी उसको जानबूझ के उसने मारा नहीं है बट जो भी है उन्होंने डोमेस्टिक असोल्ट डोमेस्टिक वायलेंस ये सब का वो चार्जेस के बिहाफ पे उसको भाई जेल कर दी गई स्टूडेंट थी भाई वो और ये केस काफ़ी वो था पता लगा था मेरे को भी उसने क्या बोल दिया गलती से आई स्टैप्ड माई पार्टनर या फिर स्टैप्ड या फिर गलती से लग गया जो भी है तो उसने ऐसे बोला कि उनको पुलिस आ गई अटैम्प्ट टू मर्डर जो भी है डोमेस्टिक वायलेंस ये सारे केसेस लगाने पड़े और जेल हो गई फिर वो बेल लेके पी के लिए अप्लाई करना था तो ये नहीं अभी तक पता लगा कि पी मिलेगा नहीं मिलेगा बट हाँ ये भी केस है क्योंकि हाँ पे भी वर्ड प्ले तो जो भी तुम बोलते हो पुलिस वालों से या फिर पुलिस वाले को कुछ बता रहे हो अपनी कहानी या फिर कोई भी चीज़ ध्यान से सम सोच समझ के इनसे कॉन्वर्सेशन किया करो क्योंकि तुम कुछ ग, बोल दो कि उनको कुछ और लगेगा तुम्हें तुम्हारी तरफ से तुम कुछ और बोलना चाह रहे हो बट इनके जो होते हैं जो ये यूज करते हैं उनकी टर्मोनोलॉजी में वो चीज़ गलत हुई तो गए तुम इसलिए अगर हॉस्पिटल पे कॉल कर रहे हो या फिर पुलिस में या फिर किसी भी ऐसे जंग से मिल रहे हो बैंक वैंक में जा रहे हो पैसे जमा कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो ऐसा मत बोल देना जिससे उनको थ्रेट लगे तुम्हारे ऊपर तो ये सारी चीज़ों अगर तुम नहीं आ रहे हो ना तो ध्यान रखना जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना यहाँ पे स्पेशली गोरे लोगों से अपने इंडियंस से तो चलो चलता है बट इन लोगों से सोच समझ के बोलना वरना बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं तो ये दोनों केसेस थे जो मेरे को तुम्हें बताने थे और बाकी यार अभी मैं देखो काम पे ही हूँ तो मैंने कहा व्लॉग अपना कंप्लीट कर लूँ और बस बहुत ठंड है आज माइनस सिक्स सेवन डिग्री सेल्सियस जा चुका है टेम्परेचर और अभी मैंने मेडिसिन खा के रेस्ट कर रहा था मैं फिर थोड़ा ठीक हुआ हूँ मतलब प्रेस क्या कर रहा था बैठा हुआ ही था ऐसे टेक लगा के हीटर के पास कुछ काम तो था नहीं तो अब गला वाला थोड़ा अभी भी वैसे ही है बट लेट्स सी बट अभी बिल्कुल आने वाले हो दस बारह दिन के अंदर तो ध्यान रखना ठंड का अपना लेयर्स वगैरह लेके आना थोड़ी बहुत बाकी यहाँ पे आके जैकेट वगैरह खरीद लेना और यही है भाई तबीयत का ध्यान रखो और सारी चीज़ें खुद करनी होती है अभी मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें यही बताया था तो देख लो मेरे को बुखार भी हो रहा है बुखार दो तीन बार उतर गया सुबह से बट फिर भी अब तो करना तो है भाई ये भाग थोड़ी सकते हैं चीज़ों से रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो यही सब है इस सब के लिए तैयार हो के आना अपना हौसला बिल्कुल टाइट बुलंद करके बाकी भाई कोई बात का डर नहीं है बट हाँ ढीले मत पड़ना वीक मत पड़ना यहाँ पे पड़ गए तो गेम बच सकता है बढ़िया वाला ये सारी चीज़ें ध्यान से रखना और चलो भाई अब अंदर जा रहा हूँ मैं

देखो किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो ना सोच समझ के बोलना है चाहे मैं अगर जर्मनी जाऊँ फ्रांस जाऊँ या फिर अमेरिका जाऊँ किसी भी कंट्री में घूमने जाऊँगा तो स्पेशली पुलिस वालों से एम्बुलेंस इन सब से ना सोच समझ के ही बोलना चाहिए चाहे इंडिया में भी अगर तुम हो ऐसे पुलिस वालों से कुछ ऐसा बोल दो कि जिससे उनको तुम पे शक हो जाए तो वो पकड़ते ही है ना तो वो वाली चीज़ है तो ये सब है बाहर अगर वैसे भी ट्रैवल करने जा रहे हो तो इन सब से ढंग से अपना सोच समझ के बात किया करो और ब्लॉग कहीं पे करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ बताने का इन्फॉर्मेटिव साथ ही साथ लाइफ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ व्लॉग स्टाइल में अब देखो आज की शिफ्ट हो जाएगी ओवर फिर कल परसों चार पाँच दिन मेरा ऑफ है लगातार तो बढ़िया वीडियो बनाऊँगा उसमें फिर उसके बाद अगले मंडे से फिर से सेम शिफ्ट है तीन दिन तो ये चीज़ है अपना चल रहा है अभी इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर चल फिर बाय बाय